तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ, आपको पढ़ाने वाली हूँ, द लेग इजल ऑफ इजल्स फ्री। ये वाला चैप्टर है आपका विलियम बटलर येस्ट। हाँ, द लेग इजल ऑफ इजल्स फ्री। लेग मतलब जानते ही होंगे, इजल मतलब आइलैंड। द लेक आइलैंड ऑफ काम एंड पीस। इजल फ्री एक पीस ऑफ लैंड है जहाँ आपको काम और पीस मिलेगा। ओके, द लेक ऑफ द लेक आइलैंड ऑफ काम एंड पीस। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्ड अ पोएट लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रांसकुलेशन ऑफ इजल फ्री, अ प्लेस वेर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। दिस पोएम इज अ रिलिक। ये जो है आपको एक पोएट का बचपन के समय को बताया जाएगा कि जब वो बचपन में यहाँ पर इजल फ्री में आया करता था तो वो उसको यहाँ पर बहुत पीस मिलता था, कामनेस मिलती थी। तो यहाँ पर ही उसकी अपनी जो है एक्सपीरियंस लिखा जाएगा। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इजल फ्री एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड विसल्स मेड नाइन बीन रॉ रोज विल आई हैव देयर अ वे फॉर द हाई फॉर द हनी बी एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। देखे, आई विल अराइज मतलब मैं स्टैंड अप होऊंगा और अभी जाऊंगा कहाँ, इजल फ्री में। इजल फ्री मतलब जहाँ कामनेस होगा और पीस होगा, एंड वहाँ पर मैं अपना एक स्मॉल कैबिनेट मतलब एक स्मॉल रूम बनाऊंगा। किससे बनाऊंगा? क्ले से और विसल। विसल्स किया होता है, वुडन स्टिक्स होती है। जैसे आपने देखा होगा एक घर के आगे ऐसे ऐसे आपने देखा होगा ना, ऐसे से ये जो होता है विसल्स होते हैं। ओके, और आपने देखा होगा ये जो आपका घर हो तो यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टिक्स होते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर भी एक स्टिक्स होते हैं फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। उसके बाद यहाँ पर उस इंसान का घर होता है, राइट। और यहाँ पर उसके घर को कोई भी चोरी चकेटी ना हो, इसलिए ये जो है उसका गेट होता है। यही इसको जो ये प्रोटेक्शन मिलता है वुडन स्टिक्स है, इसको ही क्या बोला जाता है, विसल्स। ओके, हाँ विसल्स। हाँ, नाइन बीन रो आई विल ग्रो मतलब नाइन रो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस रोज में हम क्या ग्रो करेंगे? बीन्स। ओके, यहाँ पर हम क्या ग्रो करेंगे? बीन्स ग्रो करेंगे। बीन्स जो होते हैं लंबे लंबे बीन्स होते हैं, और ये जो है खाएगा बीन्स और वहाँ पर जो करेगा हनी कॉम, एक पेड़ में हनी कॉम हनी बीज यहाँ पर जो है रहेंगे। ओके, उसके बाद वो जो है वो इंसान जो है वहाँ पर हनी कॉम का हनी खाएगा और जो है बीन्स खाएगा, और वहाँ पर वो अलोन रहेगा तो उसको जो है बी के जो बी जो आवाज़ होती है बी की उसको सुनाई देगी। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कमिंग ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग द माइंड मिड नाइट एयर ऑल अ ग्लैमर एंड नॉन अ पर्पल ग्लो An evening full of linen wings. मैं अभी shall have वहाँ पर मुझे peace मिलेगा, जो peace जो है धीरे धीरे
थोड़ा कम स्लोली ड्रॉपिंग, मतलब धीरे धीरे आता रहेगा, ओके स्लोली आता रहेगा, क्या आता रहेगा, पीस आता रहेगा। और जो है हमारी जो सनलाइट है, अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको जो है ये जो एक वेल आपने सुना होगा जब आप शादी या आप खाते हो, हमारे जो औरत होती है इंडिया की जो औरत होती है वो अपने मतलब मर्दों को जो है अपना मुंह नहीं दिखाती है, इसीलिए कुछ कुछ औरतें जो जो है हमारे गांव से हो तो वो एक दुपट्टा लगाती रहती है, वो जो वेल अपने जो मुंह को ढकती है वही क्या बोलते हैं, वेल बोलते हैं। क्रिश्चियन जो औरत होती है वो अपने शादी के दिन एक वाइट कलर की वेल पहनती है। आई नो यू नो दैट, मैं आपको इमेजेस भी दिखा देती हूँ। ये देखें ये औरत ज़्यादा डिफाइन करती है, ये जो है इसके मुंह को ढकते हैं, ये जो वेल होती है वो शादी के दिन जो है मुंह को ढकती है, यू सी दैट। तो मैं अभी आपको पढ़ाने वाली थी, वेल जो है मॉर्निंग के जो है क्लाउड्स को जो है वेल ढक रही है, ये बताया गया है। और क्रिकेट जो है सिंग कर रहा है, क्रिकेट क्या होता है मैं वो भी दिखा देती हूँ। और ये जो इंसेक्ट होता है इसका नाम है क्रिकेट, आपने यहाँ पीछे भी देखा होगा, एंड बहुत सारे लोग इसको खाते भी है। दे हैव डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, दे आर ग्रीन इन कलर, समटाइम दे आर इन ब्लैक, समटाइम दे आर इन ब्राउन, सो देर आर स्पेसिफिकली 3 कलर्स, ओके। तो इनको क्या बोला जाता है, क्रिकेट। दिस वन इन ब्लैक, दिस वन इज़ ग्रीन, दिस वन इज़ ब्राउन। मत सोच लेना कि गेम क्रिकेट है, मैंने इस क्रिकेट बोला है, यहाँ पर गेम क्रिकेट आ गया है, पर ये क्रिकेट जो है एक इंसेक्ट होता है, ओके। लेट्स राइट दैट्स रीड द चैप्टर, ओके। सर मैं आपको क्रिकेट का इमेज दिखा दिया होगा, जो क्रिकेट है वो एक आवाज़ बनाता है, रात को स्पेसिफिकली बनाता है, क्या बनाता है, या मॉर्निंग को बनाता है, मॉर्निंग एकदम मॉर्निंग को बनाता है, एकदम 1, 2, 3, 4 बजे, और रात में साढ़े मतलब 8 से बच ही जाता है, 8 जब अंधेरा हो जाता है तभी से शुरू हो जाता है, ओके। तो क्रिकेट का जो साउंड होता है वो जो क्रिकेट जो है अपना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। दे आर मिड नाइट ऑल अ ग्लेमर एंड नॉन अ पर्पल ग्लो, मिड नाइट जो मिड नाइट होता है उस पर एक जो स्टार्स होते हैं वो ग्लैमर कर रहा है, मतलब शाइनी शाइनी स्टार्स जो है रोशनी डाल रहा है, ग्लैमर जो है स्टार्स जो है शाइन शाइनी होते हैं ना, तो वही बोला गया है कि मिडनाइट में जो है स्टार्स जो है ग्लैमर प्रोड्यूस कर रहा है। और एंड नो नाउ नून अ पर्पल ग्लो, नून में जो है सन जो है नीचे चला जाता है और रात होने वाली होती है, तो वही जो सन जब जाता है तो आपको एक पर्पलिश सा कलर ग्लो आप देखते हैं, तो वही जो है आ रहा है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनन विंग्स, लिनन एक बर्ड होता है, ओके। मैं आपको डायग्राम इमेज दिखा देती हूँ। दीज आर द लिनन, ये जो है थोड़ा सा ऊपर में ब्राउनिश होता है एंड नीचे थोड़ा रेडिश एंड देन बॉटम में थोड़ा वाइटिश ब्राउनिश ऐसा होता है। दे आर वेरी ब्यूटीफुल, ब्लैकिश भी होता है कुछ कुछ, राइट, कॉमनली दे आर ब्राउनिश, ओके। मैं आपको कॉमन वाला दिखा रही हूँ, सो दिस आर कॉमन लिनन, ओके। तो इसको लिनन बोलते हैं। ये जो है लिनेट जो है इन ये जो उनकी विंग्स है, इवनिंग में वो घर के पास जाती है, घर के पास लाइक रात हो जाती है तो घर के तरफ वो इवनिंग में चली जाती है, तो उसी समय में जो वो जो स्काई होती है वो लिनेट के विंग्स में फुल होता है
I will arise and go now, for always night and day I hear the still lake water lipping with slow sound by the shore. While I stand on the roadway or the pavement grey, I hear it on the deep heart core. मैं अभी उठूँगा, अब जब मतलब उससे से ड्रीम कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, अभी वो उठेगा और जाएगा दी फॉर ऑलवेज, रात और दिन के लिए वो जाएगा, और उसके बाद वो अपने कानों में सुन रहा है जो वो रिवर की जो लिपिंग साउंड होती है वो जो है सुन रहा है। मैं आपको लिपिंग साउंड सुनाती हूँ आपको अभी, ये जो आवाज़ है आप सुन रहे होंगे, ये आवाज़ शोर से जो है आती रहती है। तो लेट्स जस्ट गो टू दैट पोयम, थोड़ा सुन लीजिए।